फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है दिवाली। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और सुबह से जो चल रहा है वो तो मैं आपको दिखाई, मतलब आगे मैं उसको दिखाऊंगी कि मैं सुबह से क्या कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले घर की पूजा से। तो आज दिवाली थी तो वैसे भी जल्दी ही पूजा करनी थी, तो मैंने सबसे पहले कर ली है पूजा और अपने ठाकुर जी की ड्रेस चेंज कर दी है, मतलब आज उनको नए कपड़े पहनाए थे। और बस हो गई है अपनी पूजा। तो ये है चक्री, ये है गन, ये गन है, बम्ब, अनार, फॉक्स और ये चक्री। और अब रुद्र खुश हो गया है ना। और ये बहुत सारे गन के बुलेट, ये बुलेट। हाँ, और ये क्या है, फुलझड़ी। तो दिवाली है और दिवाली में मैं रंगोली ना बनाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, चाहे जितने भी थक जाएं रंगोली तो बननी ही है। और यहाँ पर रुद्र भी आ गए हैं, उन्होंने भी आके रंगोली में एक दो बार हाथ ट्राई किया है और रुद्र का अलग से ही दिख रहा है। लेकिन ये इसमें मैंने फ्रेम के साथ में बनाई थी तो मुश्किल नहीं था, बिगड़ी नहीं। और मैंने यहाँ पर टोटल 3 रंगोली बनाई थी जो कि मेरा मेन गेट है वहाँ पर, और कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया था। तो मेरी रंगोली बन गई है और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो लक्ष्मी जी का भोग मैं लगाती हूँ खीर से, मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथ से। और रुद्र को खानी है आलू की कचौड़ियाँ तो उसकी तैयारी है, साथ में है बूंदी का रायता और पनीर की सब्जी जो रुद्र को बिल्कुल पसंद नहीं है, बस पनीर खाता है। तो चलिए बनाते हैं। और उसके बाद आज मैंने खुद से नहाया है, आज रुद्र ने खुद से नहाया, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है रुद्र। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने फ्लैट में जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन नया घर है और दिवाली में अपने सारे, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है उनकी पूजा करते हैं। तो मम्मी ने बोला था कि उधर पे दिए जला के जरूर आना। तो ये शाम के 5-6 बजे का टाइम है जब हम लोग इधर पे आ गए हैं, और आप लोग देख ही रहे हो ये मंदिर वाला एरिया है और इसमें केवल अभी फ्रेम बन के तैयार हुआ है, पूरा मंदिर रेडी नहीं है। तो बस हम लोग आकर यहाँ पर अपनी पूजा करेंगे और दिए जल गए हैं, क्योंकि यहाँ से वापस जाकर फिर घर की भी पूजा करनी है। तो अब आ गए हैं घर में और अपने घर की भी पूजा शुरू कर दी है, क्योंकि पूजा का भी एक मुहूर्त रहता है। और उधर घर, उधर उस घर से पूजा करके आए, फिर इधर भी पूजा करनी थी। और यहाँ आकर मैंने साड़ी चेंज कर ली क्योंकि मैंने बोला था कि दिवाली में मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। ये नई साड़ी नहीं है लेकिन मैंने साड़ी डालनी थी तो मैंने डाल ली, क्योंकि फिर शाम को जब सबके घर में मिलने जाते हैं तो फिर वही सूट। तो बस यहाँ पर अपनी दिवाली की पूजा होगी और ये लास्ट दिवाली है हमारी किराए के घर में, मतलब एक रेंट में हम लोग रहते आ रहे हैं कई साल से। नेक्स्ट दिवाली जब होगी तो वो और भी ज़्यादा शानदार होगी, क्योंकि अपने घर की तो बात ही अलग होती है। तो अगली दिवाली जो हमारी होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर हमारे घर की पूजा हो गई है और इस बार लक्ष्मी जी से मांगने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लगभग सारी मुरादें पूरी हो चुकी हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब मांगा जाए, फिर भी जितना दे दे उतना कम है। और यहाँ पर एक बात अच्छी है, मेरे बेटे का पूजा में मन बहुत लगता है, वो उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से सारी चीज़ें करता जाता है। एक बार हस्बैंड को टोकना पड़ता है लेकिन उसको कभी भी नहीं टोकना पड़ा है। और ये फाइनली जो अपनी पूजा हो गई है ना, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट भी डालती हूँ, तो उसके लिए मुझे बनाना था। और मेरे गणेश लक्ष्मी जी बहुत छोटे हैं, है ना। तो अब पूजा हो गई है तो घर में दिए भी सजाने हैं, तो हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि वो घर में रखेंगे और मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर मेरे घर के पास में ही है, आप लोगों ने कई सारे ब्लॉग रंगोली में डाल दिया कि हाँ। मतलब मंदिर का ब्लॉग मैं डालती रहती हूँ अक्सर, कुछ ना कुछ होता है वहाँ पर। बस तो चलते हैं मंदिर में दिए रखने। तो लो आ गया मेरा मंदिर, ये है कृष्ण राधा और ठाकुर जी, बहुत प्यारे हैं ये ठाकुर जी। ये शालिग्राम, मतलब वही है, ये रुद्र ने बनाया है पूरा। मैं तो दिए रख रही थी उस टाइम, ये वाला मुझे बस लग रहे। तो वो मतलब वीडियो कम बनाता है, फोन को यहाँ वहाँ बहुत चलाता है। तो बस वही बोल रहा था कि मम्मा देखो भगवान जी को ना नए
कपड़े मिलेंगे, सारे भगवान जी ने नए कपड़े पहने हैं, तो वो एक एक करके सभी को उसने क्लोजअप लिया जाके अच्छे से पास से जाके। तो हमने घर के बाहर जो रंगोली बनाई हुई थी उसमें कैंडल्स लगाने थे, और ये कैंडल लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि ये कभी एक तो हवा चल रही थी तो उसकी वजह से कुछ बुझ भी जा रहे थे, तो वही है। फिर हम दोनों लोगों ने मिलके बाहर भी दिए लगाए, और ये है मेरी सामने आंटी हैं, उनका घर है, तो बस हम दोनों पड़ोसियों ने मिलके बढ़िया सी दिवाली मनाई। आंटी के घर में कोई है नहीं, बस आंटी अंकल है और उनका एक बेटा है, तो उनके यहाँ से कोई है नहीं, तो हम लोग ही बाहर का पूरा डेकोरेशन कर लेते हैं। आओ इधर आ, आ जल्दी बाहर जल्दी। अभी मैं दिखाती हूँ मेरे घर का डेकोरेशन, मतलब हम लोगों को पूजा किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और लाइटिंग वगैरह अब हुई है। ये है मेरे घर की फर्स्ट बालकनी जो कि पहले सबसे पहले ही पड़ती है, और यहाँ पर ना तो दिए दिखाई देते हैं ना लाइट दिखाई देती है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और चलते हैं मेरे घर के बैकयार्ड में, और यहाँ पर मैं ना बहुत सारे कैंडल लगा के आई हूँ, हवा की वजह से कुछ बुझ भी रहे हैं और कुछ जल भी रहे हैं। जो बुझ गए उनको जला देते हैं। और अब है मेरे बेडरूम वाली बालकनी की बारी, तो चलो। ये रुद्रेश का हमेशा का पता नहीं क्या है, कुछ भी होता है हमेशा गुस्सा ही होता है। और यहाँ पर लाइटिंग नहीं की है, अभी जला रहे चल के यार। पापा तो तुम ना करे। हाँ, क्योंकि तुम एकदम पीछे पड़ जाते हो किसी भी चीज के। हाँ, पीछे पड़ जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं निशा के घर में क्योंकि वो दोपहर में आई हुई थी, अभी नहीं अब चलो जाने की। तो हम आगे निशा के घर में, ये है उसकी बेटी और रुद्र और जिगिसा दोनों साथ में मजे कर रहे हैं। मैंने उसके घर में जाके वीडियो नहीं बनाई है, हर जगह अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी छोटा सा एक वीडियो है, तो ये उसका बेटा। सब बारी है मेरे घर में मेहमानों की आने की। हम तो सोच रहे थे गुस्सा बस बस। हाँ खोल रहे कोई को। मुट्ठी में कुछ आया नहीं, उसका कांग है दो बस, यही बहुत है। अब ये ऐसे चलता रहेगा इनका घंटों बाद देखो। उतनी सी आ भी गई। देख रही हूँ पीछे। हाँ अब सही है, अब लड़के खा ले। वही करने जा रही हूँ। उसमें से
हमारे फ्रेंड्स आए थे और वो दिवाली मिलके चले गए हैं, मतलब हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि दिवाली मिलने जा रहे हैं, तो वो लोग आकर जा चुके हैं और हमने भी अब चेंज कर लिया, बहुत टाइम हो गया था साड़ी पहने पहने। तो बस आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था और रुद्र खा रहा है आलू का पराठा। मैंने पटाखा चलाया, बोल बताओ क्या। और जब अपने फ्रेंड को घर गया था, इसका एक चाचू है, चाचू इससे ना रॉकेट वाला है जो होता है ऐसे चपड़ा है लगाया था, फिर मसा आ गया। हाँ। तो रुद्र अपनी फ्रेंड के घर गए थे, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पटाखे वगैरह चला के आए, फिर अपने पापा के साथ चलाए, फिर रुद्र की फ्रेंड आई उसके साथ भी चलाए, तो रुद्र ने बहुत सारे पटाखे चलाए। तो बस भाई अब बस यही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दीवाली।